आ जाए। तो बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलो इसको बाद में देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। उससे पहले हम एक बात करते हैं आपके सामने कि मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 1/4, फिर मैंने लिखा 1/2, फिर हमने लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 4। अब बताओ इससे अगला नंबर क्या आएगा। आप ये चेक करो कि अगला नंबर क्या करने से आ रहा है। शाबाश, बताओ बताओ, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखो, सारे बच्चे चैट बॉक्स में एक्टिवेट हो जाओ, लिखो। ओके शिवम, वेरी गुड। मान्या, नहीं दृष्टि गलत बेटा, प्लस नहीं है, बाकी सबका सही है। कोमल, अक्षत, मान्या, यश, वेरी गुड। तो सारे बच्चे बता रहे हैं कि मैं 2 की मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, इसलिए अगला नंबर 8 आ जाएगा, ऐसे 16 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। और इसके बाद मैंने लिखा आपके सामने एक नंबर 1/10, फिर लिखा 1/100, फिर मैं लिख रहा हूँ 1/1000। भाई सारे बच्चे बहुत एक्टिव रहा करो, क्योंकि समय हमारे पास होता है कम और काम होता है हमारे पास ज्यादा। आप देख रहे हो अगला नंबर कैसे आ रहा है। भाई अगला नंबर आपको कैसे मिल रहा है, 1/10 की मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है कि 1/10 की मल्टीप्लाई करने से आपको अगला नंबर मिल रहा है। तो इसी तरह से आपका इससे अगला नंबर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, 0, और ये चलते रहेंगे। तो कोई भी ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें अगला नंबर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आता है और वो सेम नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई, एक ही नंबर की मल्टीप्लाई होती जा रही थी। अब यहाँ पे जैसे एक बच्चा कह रहा है, मोस्टली बच्चे तो वैसे यही कह रहे हैं कि भाई 1/10 की मल्टीप्लाई, लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि 10 से डिवाइड होता जा रहा था। तो मल्टीप्लाई बोलो डिवाइड बोलो, इसलिए एक ही तरीके से ट्रीट हो जाती है। क्योंकि अगर हम ये बोले कि 4 को 2 से डिवाइड करो, तो हम ये भी तो कह सकते हैं 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड सिमिलर ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर अगला नंबर आपका सेम नंबर की मल्टीप्लाई या डिवाइड से आ रहा है, तो उस प्रोग्रेशन को हम जीपी कहते हैं। हाँ जी, अब जरा मुझे ये बता दो क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। चल जल्दी यस नो करो। 30 सेकंड में मैं ऑफ कर दूंगा पोल को। ओनली 30 सेकंड्स, ठीक है। 4 बच्चों का अभी वोट नहीं आया। यस करो भाई, 4 बच्चे कौन है? 2 बच्चे, जल्दी जल्दी करो, वोट करो भाई। शाबाश, पोलिंग फैसिलिटी खत्म होने वाली है। 3, 2, 1, ऑफ, ठीक है, सबको समझ में आ गया, राइट। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं एक और। हमारे पास एक नंबर है 2, फिर आया 4, फिर आया 8, फिर आया हमारे पास 16। तो आप देख रहे हैं अगला नंबर कैसे आ रहा है, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं दृष्टि, ठीक है, ये आता जा रहा है हमारे पास। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है सबसे पहला, इसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, या जैसे एपी होती थी ना आपकी 10th क्लास में, बिल्कुल वही चीज है कि फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। और जिस नंबर की बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, और वो नंबर सेम है, तो उसको कहते हैं हम आर। आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। ये हो गया आपके पास कॉमन रेशियो। तो हमारे पास कॉमन रेशियो की वैल्यू इस पर कितनी है, 2, और आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, 2। अब जैसे एपी में आप लोग निकाला करते थे ना, एपी में आप निकालते थे nth टर्म। तो nth टर्म होती थी, एपी के अंदर होती थी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इसी तरीके से जीपी की अगर हम बात करें, भाई ऊपर तो बात कर रहे थे हम एपी की, और अगर बात की जाए जीपी की, तो जीपी में nth टर्म होती है ए आर की पावर एन माइनस 1। ये कैसे आती है, इसे समझते हैं।
आराम से, ठीक है, समझते हैं कि आई कैसे। भाई आपके पास फर्स्ट टर्म है 2, अगली टर्म है 4, उससे अगली टर्म है 8, उससे अगली टर्म है 16, और फिर हमने लिखा 32, और ऐसे ही चलते जाएंगे। आगे का पता नहीं nth टर्म क्या आएगी, इस पर अभी हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब देखो ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, सबसे पहली टर्म है, इसे हम कह सकते हैं ए। और अगली टर्म किसकी मल्टीप्लाई करने से आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, उसको आर बोलते हैं। तो अगली टर्म आ गई हमारे पास ए आर। ये बात सही में आई भाई, ए आर कैसे आ गया, समझ में आ रहा है? आर क्यों आया साथ में, क्योंकि आर की मल्टीप्लाई हुई, 2 की मल्टीप्लाई हुई, 2 क्या है, कॉमन रेशियो है, ठीक है। अब अगली टर्म में, फिर अगली टर्म लाने के लिए हम लोग किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आर की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास 8 भी आ गया, अब 16 पे जाना है, तो हम फिर आर की मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे ही हम चलते जाएंगे। अब एक चीज यहाँ पे और आती है निकल के, कि भाई ये हमारी फर्स्ट टर्म, ए आर सेकेंड टर्म, ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म, ए आर क्यूब हमारी फोर्थ टर्म, ठीक है। लेकिन सर क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया अच्छी बात है बच्चों, भाई क्लियर ही कराना है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब ऑब्जर्व ये करो, जब यहाँ टर्म है सेकेंड, तो आर की पावर कितनी है, 1, ठीक है, नोट करते रहना ध्यान से बेटा। जब यहाँ पे थर्ड टर्म है, तो आर की पावर कितनी है, 2। जब टर्म 4 है, तो आर की पावर कितनी है, 3। और अगर मैं फिफ्थ टर्म लिखना चाहूं, तो ए तो सब में ही आएगा, आर की पावर 1 कम आएगी, मतलब 4 आएगी, ये समझ में आया, ए आर 4 आएगा। और अगर अगर मैं चलूं आगे, आगे चलता जाऊं, और मैं ये देखूं कि मेरे पास ए 18th टर्म क्या होगी, बच्चों ए 18th टर्म देखो, तो ए आएगा ही आएगा, पक्की बात है, आर भी आएगा ही आएगा, ठीक है, और पावर कितनी आ जाएगी, 17। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, सबको सबको समझ में आ रहा है, बताते रहो, लिखते रहो सारे बच्चे भाई, अपने अपनी बातों को चैट बॉक्स में लिखते रहो, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है, ओके फाइन। अच्छा अब मान लो कोई आपसे पूछने लगे कि भाई 100th टर्म निकालो, 100th टर्म, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे ए आर की पावर 99। शाबाश 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 शाबाश। और लेकिन लेकिन क्या होता है, आप लोगों को देखे ना, फॉर्मूले में कौन सा निकलवाते हैं, फॉर्मूले में निकलवाते हैं हमेशा ए एन, तो अब बताओ ए एन में क्या है, हाँ ए एन में क्या है, ए एन बताओ बताओ बताओ, कोशिश करो, बहुत बढ़िया ऑप्शन, हर्षित वेरी गुड, क्रिश सिंगल, वत्सल शाबाश, मानिया वेरी गुड, ऊपर वाला फॉर्म, अच्छा सही है सही है, बच्चे चतुर है, कहने ऊपर लिखा हुआ है वही आएगा ये, यस शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, माहिर बहुत बढ़िया दृष्टि, ठीक है। ये मुझे लग रहा है समझ में आ गया, ये सबके समझ में आ गया हमारा, ठीक है जी। चलो इसे क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास बच्चों अब जीपी के लिए ये पता है कि जीपी की फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकेंड टर्म ए आर होती है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होती है, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब होती है, और ऐसे ही अगर चलते जाए चलते जाए चलते जाए चलते जाए, तो nth टर्म हमारे पास ए आर एन माइनस होती है, ठीक है। ये बात भाई ये नोट कर लिए, रजिस्टर नोट करते हैं ना, बार बार टाइम नहीं मिलेगा रजिस्टर में नोट करने का, ओके हाँ नोट करते चलो, ओके ठीक है, डन है यहाँ तक। अब आते हैं आगे क्वेश्चन, तो इन्होंने भी वही बात बोली, एक बार फिर से कहते हैं भाई
एन टर्म जो होती है वो ए आर एन माइनस वन होती है, ये तो सबको पता है। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, अब देखो इन्होंने फिर से बताया कि भाई फर्स्ट टर्म ये होती है, सेकंड टर्म या, ये सब हमारा क्लियर हो चुका है, कोई परेशानी नहीं है। अगर इन्हें ना प्लस करके लिख दिया जाए बच्चों, तो इसे प्रोग्रेशन की बजाय हम सीरीज बोल देते हैं, बस इतना अंतर आता है। प्रोग्रेशन या सीक्वेंस जो होगी उसमें कॉमा लगा लगा के लिखेंगे, लेकिन जब वर्ड आता है ना सीरीज, तो उसमें बीच में प्लस या माइनस आ जाता है। ये नोट कर लो, ये बात मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताई थी आपको कि सीरीज और सीक्वेंस में क्या अंतर होता है। ज्योमेट्रिकल सीरीज बन जाती है, ठीक है। चलो अब आता है क्वेश्चन, आता है हमारे पास पहला क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक जीपी है, तो जीपी जब भी आपको दिखाई दे तो अभी क्या है, आप तीन चीजों पर फोकस करोगे कि भाई ए क्या है, आर क्या है और एनथ टर्म क्या है, बस तीन बात है। तो अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है और एनथ टर्म हम निकालेंगे तो कितनी आएगी। ए की वैल्यू सबको दिखाई दे रही है 5 है, और किसकी मल्टीप्लाई कर करके अगला नंबर आ रहा है, तो वो नंबर आपके पास 5 है। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो सबसे पहले तो कहते हैं 10th टर्म निकालो, भाई आप लोग जानते हो 10th टर्म निकालने का तरीका क्या रहेगा, 10th टर्म का तरीका रहेगा ए आर रेज टू द पावर 9। तो ए की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू भी 5 है, पावर में 9 है, 5 की पावर 10 आ गया। अब nth टर्म की अगर हम बात करें तो ए ए हमारे पास कितना, ये होता है ए आर एन माइनस वन। तो ए की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 5 है, पावर में एन माइनस वन है, और ये बन गया 5 की पावर n, बन गई हमारी nth टर्म। तो ये हो गया nth टर्म और ये हमने निकाल दी 10th टर्म। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकते हो, दिस इज फर्स्ट स्टेप, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, पावर में आंसर छोड़ो, बढ़िया आंसर माना जाता है। तो जल्दी जल्दी से पोल करो, यस नो कर दो, और किसी को दिक्कत हो तो वो स्टेप नंबर मेंशन कर दो चैट बॉक्स में, ठीक है। समय शुरू होता है आपका अभी। तो 2 सेकंड बचे हैं पोल के लिए, एक खत्म। चलो जिसका नहीं हो पाया सबका हो गया, देखो सारे बच्चे क्या कह रहे हैं, सबको क्लियर है, अच्छी बात है, राइट। तो ये हमारा डन है, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन खुद करो भाई, 10th क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है। आपका समय शुरू होता है अब। तो ए की वैल्यू 2 दी हुई है, आर आप निकालो, और nth टर्म इन्होंने दी हुई है, अब की बार n पूछा है, ठीक है। शुरू हो जाओ, करो कोशिश। ओके आंसर आने स्टार्ट हो गए, बहुत बढ़िया। आपको एक पोल भी देंगे इसमें कि भाई ए की वैल्यू 8 आ रही है कि 9 आ रही है कि 10 आ रही है, या डी में लिख देते हमसे नहीं आ रही है, नहीं आ पा रही। अभी रुको पोल देंगे पोल, अरे पोल तो इसमें है ही नहीं, पर
बताओ आंसर। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभिषेक बेटा चेक करो गलती है कोई। पावर में एन माइनस वन है बेटा, एन माइनस वन, उसे कंपेयर करना है। वेरी गुड यश, कृष्णा दृष्टि, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है आंसर इसका बी है बच्चों, और मुझे लग रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें शायद आ नहीं रही है। ठीक है मौनू भूमिका क्रिश, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, आपके पास में फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है, 5/2। ठीक है इसके बाद आर निकालो, तो आर कैसे आएगा, देखो आर आर निकालने का तरीका ये है कि राइट अपॉन लेफ्ट कर लो भाई। हर बार क्या होता है ना, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, तो राइट वाली टर्म अपॉन लेफ्ट वाली, चाहे थर्ड अपॉन सेकंड कर लो, चाहे सेकंड अपॉन फर्स्ट कर लो। ठीक है फर्स्ट अपॉन तो आगे कुछ हो नहीं पाएगा, तो सेकंड अपॉन फर्स्ट भी आ जाएगा। अच्छा सॉल्व नहीं हुआ, अभी देखो ये देखो ना, अब हो जाएगा बेटा। तुम ही कह रहे थे मैं लेट आया हूं, पर मेरी समझ में आ गया, आर की वैल्यू आ गई मतलब पॉइंट। अब वो पेट क्या आ गया बेटा, पहले बताते हो, निकल गया वो। ठीक है अब आर आ गया आपके पास, ए आपके पास है, ए हो गया आर आ गया। ठीक है अब 20th टर्म आपको निकालनी है, तो 20th टर्म निकालेंगे। 20th टर्म क्या होगी बताओ, डायरेक्ट सबको याद होगा ना, तो ए आर 19, ए की वैल्यू कितनी 5/2, आर की वैल्यू कितनी 1/2, पावर में क्या है 19, तो और अच्छा 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 लिखो तो ये बन सकता है 2 की पावर 20, नहीं 5/4 नहीं लिख सकते बच्चे, इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी बेटा क्योंकि उस पर ब्रैकेट लगा हुआ है दृष्टि। ओके अब nth टर्म निकालते हैं, nth टर्म क्या होगी, ए आर रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन, ए की वैल्यू कितनी है 5/2, आर की वैल्यू कितनी है 1/2, पावर में कितना है एन माइनस वन। सॉल्व अगर हम करें तो 5/2, 2 की पावर में n-1 इक्वल टू में कितना आ गया 5/2 की पावर n। बताओ समझ में आ गया सब, किसी को कोई परेशानी इसमें, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश तेजी से। दो बच्चे रह गए, जल्दी बोलो कौन दो बच्चे हैं। इति इति बेटा बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से। चलिए एक बार इसके ऊपर का बता दो। देखो ऐसा है, इस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बता दूं, ये 5/2 है और 1 की पावर 19 और 2 की पावर 19। अब देखो 2 की पावर 19 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ है, तो मिलकर हो गया 2 की पावर 20। ठीक है अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ सब। ठीक है बच्चे कहने कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट देखे नेक्स्ट देखो क्या ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। कहते हैं 8th टर्म दे रखी है 192, 12th टर्म निकालनी है, तो 1/1 लिख देते हैं, 1/1 लिख देते हैं कि कलर चेंज करो, कलर बढ़िया नहीं लग रहा है चलो। तो 12th टर्म हमको फाइंड करनी है, कर लेंगे जी। 8th टर्म आपको दे रखी है कितनी 192। अच्छा वैसे एक बात बताओ, एक टर्म होती क्या है, एक टर्म होती है AR7, इसमें किसी को कोई परेशानी भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत कि एक टर्म क्या होती है, एक टर्म हमारी होती है AR7।
ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? देखो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है हमारी 2, तो आर की जगह 2 लिख दो, तो 192 इक्वल टू ए इंटू 2 रेस्ट पावर 7। सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आ गया 192, और 2 रेस्ट पावर 7 कितना होता है? 128 होता है। करके देखो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128। अब सॉल्व करें, कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा? देखो ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैंसिल हो रहा है। ये किससे हो रहा है? 4 से कर दें, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, ये तो 4 से और हो रहा है, करो जी 16 से ही हो रहा है, 16 3 जा 16 2 जा, तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई 3/2। अब देखो आपके पास क्या है, ए की वैल्यू भी आ चुकी, ठीक है ना, आपके पास ए की वैल्यू भी आ चुकी और आपके पास आर की वैल्यू भी है, ए भी पता है आर भी पता है, निकालना क्या है हमको? ए 12, और ए 12 का क्या होता है? ए 12 होता है ए आर 11, तो ए की वैल्यू तो है 3/2 और आर की वैल्यू है 2 की पावर 11, जिसे सॉल्व करेंगे, नहीं 6 की पावर 10, बिल्कुल गलत भाई, बिल्कुल गलत हो गया अगर किसी ने 6 की पावर 10 लिख दिया, तो ये हमारे पास आएगा 3 × 1024। अब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 3072। तो हमारा क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप तो था ये, फिर सेकंड स्टेप यहाँ पे था, थर्ड स्टेप में हमने ए की वैल्यू निकाली, और फिर उसके बाद हमारे स्टेप चले ऊपर वाले, फिर हमारे पास ये फोर्थ स्टेप आया, फिफ्थ स्टेप आया, सिक्स स्टेप आया, सेवन स्टेप आया। ठीक है, अब ये बता दो किस किस की समझ में आया और नहीं आया। ईटी तुम्हें रिप्लाई करना है, ईटी रिप्लाई करो बेटा चैट बॉक्स में, और जिसको जो स्टेप समझ में नहीं आया वो चैट बॉक्स में वो स्टेप नंबर मेंशन कर दो जो बात समझ में नहीं आई, जल्दी 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 जल्दी। 2 बच्चे रह गए, 1 बच्चा बचा है बस, वेरी गुड, सबको सब समझ में आ गया। दिक्कत आ जाएगी उससे ना, वो मत करो। चलो थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हुए फिफ्थ टर्म दे रखी है, 8th टर्म दे रखी है, 11th टर्म दे रखी है। अब बात किसकी हो रही है? जीपी। फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है? पी। 8th टर्म की वैल्यू कितनी है? क्यू। 11th टर्म की वैल्यू कितनी है? एस। तो हमें ये प्रूव करना है। अब प्रूव करने वाले क्वेश्चन में एक अच्छी बात क्या होती है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में अच्छी बात ये होती है कि एक होती है एलएचएस और एक होती है आरएचएस, तो बस आपको वो सॉल्व करना होता है। तो शुरू करते हैं, पहले पहले इसे हटा दो, ये बीच में एक कंफ्यूज कर रहा है अगला वाला क्वेश्चन, ऐसे हटाओ, ये दिखना नहीं चाहिए। अब ठीक है, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्थ टर्म हमारे पास होती है, फिफ्थ टर्म को लिख सकते हैं ए आर 4, कभी कभी हम कैपिटल भी यूज कर लेते हैं मन करता है, स्मॉल करो कैपिटल करो कोई परेशानी है नहीं वैसे। अच्छा ओके, बच्चे कह रहे हैं हमने ये कर लिया, चलो भाई जिन्होंने कर लिया बहुत ही अच्छी बात है, अब हमारा चेक करो कहीं हम गलत तो नहीं कर दे, हमारी मदद कर देना अगर हम गलत करें तो। ठीक है, फिफ्थ टर्म हमारे पास है पी, फिर आ गया हमारे पास क्यू, फिर आ गया हमारे पास आर। एलएचएस को देखते क्या आ रहा है, एलएचएस हमारे पास है या तो आरएचएस से करो, आरएचएस से आराम से हो रहा है उसमें कम मेहनत लगेगी। लो आरएचएस क्या है, आरएचएस है हमारे पास पीएस, तो पी की वैल्यू कितनी है? ए आर रेस्ट पावर 4, 11th टर्म एस है। अच्छा मैंने आर लिख दिया, ओहो
इलेवन टर्म एस है भाई, ये एस हो, और एस की वैल्यू कितनी है, ए आर टेन। अब दोनों की मल्टीप्लाई करी, ए और ए की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, आर फोर और आर टेन करोगे कितना आएगा, फोर्टीन आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए आर सेवन का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ए का स्क्वायर भी है सेवन का भी, ठीक है। अब जरा देखो ए आर सेवन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू, तो क्या हम इसे क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऐसा करते ही हमारे पास आ गई एल एच एस। तो बच्चों बस ये देखो कि आपको किसी स्टेप में दिक्कत तो नहीं है इसमें, आराम से, और क्या हो जाता है पोल, अगर है तो चेक बॉक्स में बता दो, अगर नहीं है तो यस कर दो। दो बच्चे बचे हैं भाई, जल्दी बोलो ये दो बच्चे कौन है, जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है आगे बढ़ो। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ पे फोकस करो, एक बार आप पढ़ के देखो, देखो मैं तो कर ही दूंगा फिर। कहते हैं फोर्थ टर्म है वो स्क्वायर है सेकेंड टर्म का, और ए की वैल्यू दे रखी है सेवन टर्म निकाल, ठीक, तो सारी बातें ना एक साथ लिखो, जो जो उन्होंने दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं फोर्थ टर्म जो है वो सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, एक बात तो इन्होंने ये दी, दूसरी बात इन्होंने कहा है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू माइनस का थ्री है, और सेवंथ टर्म आपको निकालनी है। अब सेवंथ टर्म हमारे हिसाब से वैसे क्या होती है, हमेशा ए आर सिक्स ही होती है। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ए फोर जो है हमारे पास ये हो जाएगा ए आर क्यू, ए टू कितना हो जाएगा ए आर, और यहां से आ गया ए आर क्यूब, और ये आ गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ए की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं वैसे तो भाई, ए की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास है माइनस थ्री, तो ए भी इतना ही आ गया आर भी इतना ही आ गया, दोनों सेम ही आ गए, क्यों भाई, ए की वैल्यू भी आपके पास में माइनस थ्री और आर की वैल्यू भी आपके पास माइनस थ्री ही आ गई। अब सेवन टर्म निकालो, तो ये हो गया माइनस थ्री ए की वैल्यू, आर की वैल्यू भी माइनस थ्री, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री की पावर सिक्स निकालना है, तो नाइन नाइन जा एट्टी वन सेवन ट्वेंटी नाइन, और सेवन ट्वेंटी नाइन थ्री जा कर लो जो आ गया वो आपका आंसर। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, ओके नो वाला बच्चा बता दो भी कहाँ दिक्कत आई। अरे बेटा हर्षित मेरा यही काम है, मैं यही करूंगा और क्या करूंगा, माइनस टू वन ये सेट्स की नहीं है, और कैसे है ये बात सही है, और कैसे है, अब बोली लड़की, ठीक है बताते बेटा और कैसे है। देखो हुआ क्या था यहाँ पे, इसे देखो आप, यहाँ देखो यहाँ जो कैंसिल करे थे हमने, जब हमने यहाँ कैंसिल करे थे इस जगह जब हमने कैंसिल करे थे तो क्या था, ये इधर ए था उधर आर क्यूब था, आर क्यूब का मतलब होता है आर आर आर, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए ए, और आर स्क्वायर का मतलब होता है आर आर, ठीक। अब देखो इस आर से ही आर कट गया, इस आर से यार कट गया, ए से ए कट गया,
तो यहां से क्या निकल के आया कि भैया जो आर की वैल्यू है वही ए की वैल्यू है, मतलब कितनी है माइनस का 3। ऐसे आया। आई होप आप समझ में आ गया होगा, बताओ जल्दी से, बोलो बोलो बोलो। पर सर ये कंफर्म है कि माइनस 3 की मल्टीप्लाई करनी है या डिवाइड? हाँ मल्टीप्लाई होनी है, मल्टीप्लाई जो आ रहा है वही करना है। -3 आ रहा है तो माइनस की मल्टीप्लाई, इसमें जो आएगा वो मल्टीप्लाई में ही आता रहेगा, ठीक है, डिवाइड वाला नहीं रहेगा। डिवाइड आना होगा तो 1/4 करके अपने आप भेजेंगे वहां से। चलो आगे बढ़ो, ये हो गया क्वेश्चन। अब आपको बताना है इन क्वेश्चंस में कि भाई है तो ये जीपी सारे सारे। अब इस जीपी में आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, 2√2 सेकेंड टर्म है, 4 आपकी थर्ड टर्म है, और ये आपकी nth टर्म है। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो आपको a दे रखा है, a1 a2 a3 और an। अब a का मतलब, a1 का मतलब a होता है, a2 का मतलब ar होता है, a3 का मतलब ar स्क्वायर होता है, और an का मतलब ar n-1 होता है, ठीक है यहां तक। अब हमने क्या कहा था भाई, a जीपी के लिए आपको a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू तो साफ विजिबल है 2। r की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू है 2√2/2 से आ गया √2। अब nth टर्म से हम काम शुरू करेंगे। nth टर्म क्या है हमारे पास, 128। nth टर्म का फॉर्मूला ar n-1 किसके इक्वल है, 128। a की वैल्यू 2, r की वैल्यू √2 की पावर n-1 जो इक्वल टू है 128। तो √2 की पावर कितनी आ गई, n-1 इक्वल टू हो गया 64। क्यों हो गया, 2 से कैंसिल करो, 2 6 2 4 जा। अच्छा अब थोड़ा सा केयरफुल रहना यहाँ पे कैलकुलेशन को लेके, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, थोड़ा सा अटेंटिव रहना बस। अभी देखो 64 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 6। अभी 2 का मतलब क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, होता की पावर कितनी है 6। तो ये बन गया √2 की पावर 12। अब आप कंपेयर करो, अब आप देखो कंपेयर करो किस किस को, n-1 को किससे कंपेयर करोगे, 12 से। जब n-1 को 12 से कंपेयर करोगे आप, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू बच्चे 30। बहुत बढ़िया बच्चों। फिर भी अगर इसमें कहीं पर कोई दिक्कत हो कि भई ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने सोचा, सेकंड स्टेप में वैल्यू रखी, थर्ड में हमने वैल्यू फाइंड करी, फोर्थ स्टेप में nth टर्म के अकॉर्डिंग गए, फिफ्थ स्टेप में nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, सिक्स टर्म में a और r की वैल्यू रखी, सेवन टर्म में हमने कैंसिल करा, एट स्टेप में हमने √2 की पावर में ले आए, और नाइन्थ स्टेप में हमारा आंसर आ गया। चलो जी बताओ बाकी बच्चे, यस नो क्या पोजीशन? ठीक है चलो जी, ये भी डन हो गया। अगला क्वेश्चन करो भाई, बी पार्ट बिल्कुल सेम है, करो इसे, शुरू हो जाओ। एन इज बेटा कौन से वाले का, मान्य कौन से का बता रहे हो आप आंसर ये? अच्छा ओके, तो बेटा बी सी सारे कर सकते हो, अटेम्प्ट करो, टाइम है आपके पास, लो आपको टाइम दे देते हैं, करो करो। वेरी गुड कोमल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया माहिर, शाबाश क्रिश, वेरी गुड।
करो, सारे बच्चे करो, देखो सबसे होना चाहिए, जिनका होता जा रहा है यस करते जाओ, जिन जिन का हो गया बी पार्ट, सिर्फ बी पार्ट की बात कर रहे हैं, जिन जिन का हो गया वो यस कर दो, बाकी करो जिन जिन का नहीं हुआ। बहुत बढ़िया पार्ट, जिनका नहीं हुआ है वो करो अभी, ठीक है, अभी अटेम्प्ट करो, जब हो जाए तब यस करना, और अगर होगा ही नहीं तो मुझे बता दो कि भाई हमसे ना हो पाएगा। करो करो करो, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, बी किसी का ना हुआ हो बताओ जल्दी से, कोई ऐसा बच्चा जिससे बी नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ बच्चों का नहीं हो रहा भाई, भी चेक कर। चलो भाई सी करना शुरू कर दो, जिनका बी हो गया है, मैं इतनी देर में जरा ये कर लेता हूँ। लीजिए बनी बात भाई, सी के दो आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चे 9 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 8 कह रहे हैं, क्या चक्कर है? नाइन तो ज्यादा कह रहे हैं वैसे। आपने भी 9 कह दिया। हाँ हर्षित, क्लियर हो गया? नहीं हुआ बेटा, बताओ जल्दी से। सी पार्ट करो, सी सी आसान है कंपैरेटिवली ए और बी से, क्योंकि इसमें रूट वाला चक्कर नहीं है, जल्दी हो जाएगा ये। वो पावर निकल जाएगी, चिंता मत करो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज कर लो ना, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो ऐसे यूज कर लो, 3-3 से अपने आप हो जाएगा, फिर जल्दी निकल जाएगी। अगर किसी को पावर सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस मेथड का यूज करो, 9 ही है, ठीक है भाई, बच्चे बता रहे हैं इसका आंसर 9 आ रहा है, सॉल्व कर लो ऐसे करके 3 से। अगर किसी का ना हुआ हो तो अब देख लेना, ठीक है? डन है, सबके कंप्लीट हो गए यहां तक?
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो भाई। कहते हैं जीपीएक्स की वैल्यू निकालो। अब एक बार बताओ बच्चों आप भाई, जीपीए जैसे इसमें तीन टर्म है, अगर मैं सेकंड को थर्ड को सेकंड से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? अगर मैं थर्ड को सेकंड से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? कॉमन रेशियो आएगा। और अगर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूं तब भी क्या आएगा? तब भी कॉमन रेशियो आएगा। तो इसमें क्या है कि भाई हम ये कहते हैं भाई मैं सेकंड को डिवाइड करूं फर्स्ट से, या मैं थर्ड को डिवाइड करूं सेकंड से, बात तो एक ही आएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई? प्लस माइनस वन। ओके ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आई? सबको? तीन बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे, दो कौन है, एक बच्चा बचा हुआ है। अच्छा एक बात और सुनो बच्चों, कभी भी आपको तीन नंबर दे रखे, अगर वो एपी में है तो इसका मतलब होता है 2b की वैल्यू a प्लस सी के इक्वल आएगी। और अगर तीन नंबर आपको जीपी में दे रखे हैं तो इसका मतलब होता है कि मिड का स्क्वायर कर दो तो बाकी दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। चेक करते हैं, 248 ये जीपी है। आप देखो 8 और 2 की मल्टीप्लाई करो, क्या ये 4k² के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, ठीक है। और अगर ये एपी होती तो इन दोनों को प्लस करो, ए और सी को, तो क्या वो इसका डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमेशा याद रखना है कि एपी में तीन नंबर दिए हो तो कैसे होगा, जीपी में तीन नंबर दिए हो तो कैसे, ठीक है? ओके सॉरी में आ गई बात। डन है, क्लियर, आगे बढ़े। यस, अब यहां से नई कहानी शुरू होती है। नई कहानी क्या है कि सम ऑफ एन टर्म्स हमें निकालना है, एन टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो बेटा एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है ये, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, चलो ठीक है, देखो समय कितना है हमारे पास ऐसी बातों के लिए। चलो ये वाली बात समझाई जा सकती है। देखो एक हमारे पास एक जीपी है, ठीक है, और हमें क्या करना है, मान लो इसका सम निकालना है। बहुत आराम से समझना बेटा, मैं आपको बताऊंगा कि जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कैसे सोचा था कि भाई इनको निकाला जाए, शुरुआत उन्होंने कैसे करी। तो आपको निकालना है इनका सम, ठीक है जी, सम निकालना है हमको। ओके तो करो क्या कि आप ये देखो, असम तो निकल जाएगा, आप ये देखो मैथमेटिशियंस ने सोचा कैसे था।
मैं वो बता रहा हूँ आप, मैं ये तो आप प्लस करके निकाल लोगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कैसे सोचा था उसे समझना हुआ। ये कुछ अलग ही लेवल का खेल है। आप ये देखो भी इनका कॉमन रेशियो क्या है, 2 है। तो उन्होंने क्या करा, दोनों साइड कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर, 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, 4 में मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, 8 में मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा, 16 में मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा, और 32 में मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा। ये लाइन समझ में आई सबके? नहीं आई? ये लाइन सबके समझ में आई है कि नहीं आई है? आराम से बताओ भाई, 2 की मल्टीप्लाई करने से 4 आ गया, 4 में करी तो 8 आ गया, 8 में करी 16 आ गया, 16 में करा, ठीक। अब उन्होंने क्या करा, वो बड़े चतुर थे, बड़े चतुर, उन्होंने कहा कि इसे माइनस करते चलो, माइनस, आप देख लो जरा, माइनस माइनस करने से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कैंसिल 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 हो गया, तो लेफ्ट साइड में क्या आया, माइनस का है, और राइट साइड में क्या आया, 2 माइनस 64, मतलब माइनस का 62। तो एस की वैल्यू कितनी आ रही, 62। मैथमेटिशियंस ने सीधे प्लस नहीं करा था, ऐसे करा था उन्होंने एक क्वेश्चन। एक नाम बताता हूँ मैं, मैथमेटिशियन थे कार्ल गोडरिच बॉस, वहां से हुआ है ये सारा खींच। और उन्होंने जब वो फिफ्थ क्लास में थे ना, तब उन्होंने ये मेथड निकाल लिया था, फिफ्थ क्लास, विश्वास होता है तुम्हें? उन्होंने ये मेथड फिफ्थ क्लास में निकाल लिया था अपने, कह रहे यार ऐसे करो, क्यों मेहनत कर रहे हो। अभी इसकी डेप्थ में बताता हूँ, इसका बेनिफिट क्या है, अभी ये बताते हैं। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, जुगाड़ू थे? हाँ जुगाड़ू थे, वो सबसे हटके सोचते होंगे, महान थे वो बिल्कुल। यहां तक भी बात क्लियर है कि नहीं भाई, उन्होंने कैसे सोचा था, तुम्हें भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, पहले तो इसे हटाते हैं फिर और बताते हैं। देखो अब उनके मेथड की इंपॉर्टेंस देखना, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और आ गए हम चलते 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 यहां तक। अब इन सब का सम निकालना है, जिन्होंने पहले मुझे एकदम आंसर दे दिया था, जरा आप बताओ भी एकदम आंसर। और आपको क्या है, आपको अभी ये यूज भी नहीं करने, अब बताओ कैसे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भी कुछ मत करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉमन रेशियो की मल्टीप्लाई करो, 2 में करोगे 4 आएगा, 4 में करोगे 8 आएगा, 8 में करोगे 16 आएगा। बोले अगली अगली टर्म आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी, बचेगी कौन सी, बस लास्ट वाली और या पहली वाली? भाई पहली बचेगी या लास्ट वाली बचेगी, बस कह रहे कितनी भी ले लो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब कैंसिल करने लगो, सब कैंसिल हो जाएंगे, कोई बचेगी नहीं, सब कैंसिल 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 कैंसिल, बचेगी कौन सी? तो यहां से आया माइनस का एस, और राइट साइड से आ गया इतना, बन गया आपका 4 6। बताओ भाई कोई दिक्कत है इसमें? अब हुआ पूरा का पूरा क्लियर कि वो क्या कहना चाह रहे थे, उनकी समस्या क्या थी, कि वो जो है ना फॉर्मूले बनाने में एक्सपर्ट, वो कहते थे मैं बनाऊंगा फॉर्मूला, मुझे दो तुम कोई भी परेशान, वो हर चीज का फॉर्मूला बना डालते थे, उन्होंने ये भी बना डाला ऐसे। अब देखो फिर ये कैसे आया, जरा इसकी बात करते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई एक जीपी है, उसकी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म कितनी है, ए आर का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म कितनी है, ए आर का क्यूब है, फिफ्थ टर्म कितनी है, ए आर का 4 है, और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं,
ए आर की पावर एन माइनस वन, यही होगी ना nth टर्म भाई, nth टर्म तो ए आर एन माइनस वन ही होगी। ठीक, अब कॉमन रेशियो की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर, तो ए में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए आर आएगा, ए आर में करोगे तो हमेशा भाई कॉमन रेशियो के मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म आ जाएगी, हमेशा ही आएगी। चलते जा रहे हैं, आती जाएंगी आती जाएंगी, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया। तो अब माइनस करा आपने, एस माइनस आर एस आया, इक्वल टू में कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है, कैंसिल होता, देखो क्या क्या नजर आ रहा है, कैंसिल हो गए सब कैंसिल, क्योंकि साइन चेंज हो गए थे, क्योंकि इसलिए कैंसिल हुए थे। तो फर्स्ट बची और लास्ट बची, यहां से आया एस कॉमन, और अगर ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो यही फॉर्मूले में आर एन पहले आ जाएगा, बन गया आपका फॉर्म। चलो बता दो, समझ में आई बात या नहीं आई? नो वाला बच्चा कौन है ये, बिना फॉर्मूले के तो है इजी, नहीं पर बार बार इतना नहीं करेंगे ना, इस फॉर्मूला ही बताना पड़ता है। नो किसने करा है, नो वाला बच्चा बताओ भाई, एक बच्चे ने लिखा है नो, बताओ जल्दी से कौन है जिसे दिक्कत आई है, मैं समझाऊं फिर उसे, ये गलती से हो गया किसी से, बताओ। सर सॉल्यूशन में थोड़ा समझ में नहीं आया, चलो ठीक है अभी क्लियर करते हैं। ओके ये देखो, यहां से शुरू करते हैं सबसे पहले, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा एक बात और बच्चों, एक बात और भाई, सम का जो मैंने फॉर्मूला बताया वो है, एक तो ये फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला ये भी है, अब हमें क्या पता कौन सा लगाना है। तो बेटा ये वाला तो तब लगाते हैं जब कॉमन रेशियो 1 से कम होता है, और दूसरा वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है। अब एग्जाम्पल आपके पास 12 है, इससे समझ में आएगा, हमारे पास एक जीपी दी हुई है, ठीक, इस जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 है, कॉमन रेशियो कितना है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। अब आप देखो ये 2/3 है तो ये तो 1 से कम हुआ ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक बताओ, ये बात समझ में आ गई कि फॉर्मूला फर्स्ट लगेगा कि सेकंड लगेगा, ठीक है। ईटी बताओ बच्चे, ईटी ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ, उन्होंने कहा है एक तो एन टर्म्स का निकालो, पर
और एक फिफ्थ नंबर निकालो। माहिर हम ये कह रहे हैं ए की वैल्यू वन है, आर की वैल्यू 2/3 आई है, अगर ये वन से कम आती है तो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, वन से बड़ी आती है अगर तो सेकंड फॉर्मूला लगेगा। अभी ये फर्स्ट वन से कम आ रही है तो इसलिए फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। तो हम निकालेंगे पहले एस एन। एस एन क्या होता है? ए होता है, वन होता है, आर होता है कि पावर एन होती है, अपॉन में वन माइनस आर होता है। सॉल्व करो थोड़ा सा। चलिए ऊपर चला गया, बताओ भी ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक बताओ, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, आगे चलो। अब क्या कहते हैं, फाइव टर्म्स का निकाल भाई। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ए की वैल्यू वन है, आर की वैल्यू कितनी है? 2/3। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? फाइव है। अपॉन में सॉल्व करो, 2 की पावर 5 32 होता है, 3 की पावर 5 243 होता है, अपॉन में क्या आता है? 1/3 आता है। एलसीएम वगैरह लो तो 243 माइनस का 32 अपॉन में 243 और अपॉन में 1/3। थ्री से कैंसिल करा तो आ गया हमारे पास 211 अपॉन 81। सेम होगा, बस एन की जगह 5 आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो हर्षिता। तो बेटा अब ये बताओ, किसी को इसमें दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलो किसी को दिक्कत है तो। डन है? चलो बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, अब मेरे ख्याल से काफी हो गया, बस इतना ही करते हैं आज, ठीक है?